बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान असद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असद अब्बास चिश्ती। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आरा मशीन कारोबार के हवाले से कि ये बिज़नेस कैसा है, अगर हम ये करना चाहें तो हमें इसके लिए कितनी जो है ना ज़मीन दरकार है, और इसके लिए जो आरा मशीन है वो कितने की आती है, और जो बिजली पे चलने वाला आरा है उस पर कितना खर्च होता है, और एक जो डीजल वगैरह पे चलता है मोटर लगा के उस पर कितना खर्च आता है। तो ये सर से बातें जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिज़नेस जो है ये कारोबार कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, माशाल्लाह। सर कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन हमें भाई 10 महीने हो गए। 10 महीने। इससे पहले क्या करते थे? ये हमारी 2 ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी और ये करियाने की दुकान थी हमारी। करियाने की दुकान थी। किसने मशवरा दिया आपको कि ये आप आरा मशीन? ये हमारा एक दोस्त है और उस्ताद भी है, नाज़े खान बलोच, उसका नाम है, जफराबाद, उसकी आरा मशीन है। अच्छा, उसने मशवरा दिया और उसके मशवरे से हमने ये कारोबार। अच्छा, आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो इस पर कितने पैसे लगाए थे आपने? तकरीबन आरा मशीन लगाने के लिए और ये सारा सामान लगाने के लिए तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए इसमें लागत आती है। 5.5 लाख रुपए? जी जी जी। आरा मशीन कितने की है? 1,75,000 की नई। नई? हाँ, गुजरा वाले से लिया। अच्छा, आपने ये बिजली वाला आरा है या नहीं? ये डिगी पर चलता है, पीटर। अच्छा, पर पीटर पे चलता है। जी जी। अच्छा, ये सर माशाल्लाह, क्योंकि आपके पास जो लोग लकड़ियाँ लेके आते हैं वो घर का बालन वगैरह बनवाते हैं या दूसरा फर्नीचर भी? बालन भी बनवाते हैं, फर्नीचर भी बनवाते हैं, चारपाइयों का सामान, जो भी सामान बनाने की लकड़ी होती है उसका सामान बनवाते हैं, जो बालन की लकड़ी होती है बालन बनवाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, आप जो ये सामान बनाते हैं इसका क्या हिसाब लेते हैं? तकरीबन जो जो मिस्त्री हजरात हैं ना उनसे 80 रुपये मन भी लेते हैं, फुट से, फुट और मन एक होता है। अच्छा। और जो कारामद लकड़ी होती है, जो बालन वाली होती है, तकरीबन 30 से 50 रुपए मन का इसकी मजदूरी होती है हमारी। अच्छा, बालन की? जी बालन। अच्छा अच्छा सर, ये सारे खर्चे जो मजदूर आपने खड़े किए हुए, ये तनख्वाह पे हैं या दिहाड़ी पे? दिहाड़ी पे हैं, जो मजदूर हैं वो दिहाड़ी पे हैं, मिस्त्री भी दिहाड़ी पे होता है, 1,000 रुपया दिहाड़ी मिस्त्री की होती है और 600-600 रुपया दिहाड़ी मजदूर की होती है। अच्छा अच्छा सर, ये सारा खर्च निकाल के आप एक हमें मोटा मोटा अंदाज़ा बताएं कि मिस्त्री की दिहाड़ी निकाल के, मजदूर की दिहाड़ी निकाल के माशाल्लाह आपको कितना बच जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1500 भी बच जाता है, 2000 भी बच जाता है, 2500, 3000 भी, 5000 भी बच जाता है। ये होता है काम पर। जी जी जी। ज़्यादा काम आ जाता है ज़्यादा दिहाड़ी बन जाती है, अगर थोड़ा काम आता है तो थोड़ी दिहाड़ी बन जाती है। ये एक ऐसा काम है जो शहरों में भी हो सकता है, देहातों में भी हो सकता है, जहाँ भाई आपका दिल करे, क्योंकि इसमें तकरीबन 20 मरले ज़मीन होना लाजमी है। अच्छा। क्योंकि लकड़ी डालने के लिए सही सही। इसका बहुत अच्छा काम है भाई, ये मुनाफा बख्श काम है। अच्छा। इसका लकड़ी है जो इसका कोई भी चीज़ रहेगा नहीं जाती, सब चीज़ बिक जाती है। हाँ, ये बालन भी बिक जाता है, बोरा भी बिक जाता है, इसकी मट्टी भी बिक जाती है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा सर, हमारा कोई देखने वाला अगर ये काम करना चाहे तो आपने तो 1-1.5 साल पहले जो जब काम स्टार्ट किया था तो आपने 5-6 लाख लगाए थे, अब कितने पैसे लग सकते हैं? आप इसमें भाई जितना भी पैसे लगा कर रख सकते हैं, लकड़ी लेकर स्टॉक कर सकते हैं, इसमें पैसा बढ़ता है कम नहीं होता। अच्छा जी, जितना लकड़ी सूख जाती है उतना पैसा इसका रेट बढ़ जाता है। अच्छा जी सही, मतलब अब कितने पैसों से काम ये शुरू हो सकता है भाई जान? इसमें से तो 5 लाख इसमें लागत आ जाती है। जी जी। ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लकड़ी लेकर खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं, अगर लकड़ी लेने की आप में फुर्सत नहीं है तो फिर भी इसमें मजदूरी में शाम को 1500-2000 इंसान को रोजगार मिल जाता है। वाह वाह, मैं मतलब बैठे बैठे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब काम मजदूर करते हैं, खर्चा मजदूरी हर चीज निकाल के। जी अच्छा, तो जी व्यूअर्स, आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी बातें की कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है और साफ सुथरा काम है, आप एक जगह बैठ के सुकून से मजदूर लगे रहे, मिस्त्री लगे रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1500 से लेकर 2000, 4000, 3000, 5000 तक भी बचत हो जाती है, और ये एक अच्छा काम है और ये एक सिंपल है, आप कहीं से भी एक कनाल ज़मीन लेके ठेके पे भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई लॉस के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो लकड़ियाँ बच जाती हैं वो हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, वो बिक भी सकती हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी मिट्टी भी समझे सोने के बराबर है, वो भी बिक जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कारोबारी हवाले से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।